आज की वीडियो में लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके आपको मैं बताऊंगा, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। इसमें जो है यूजी पीजी सभी कोर्सों के लिए जो है फॉर्म आ चुका है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। तो ओके चलिए, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस बीच पा सकते हैं। ओके चलिए, इसका लोगो आप यहाँ देख सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय। ओके चलिए, यहाँ पर जो है एडमिशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए एडमिशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। आप किस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूजी पीजी यूजी मैनेजमेंट प्रोग्राम यूजी मैनेजमेंट पीजी मैनेजमेंट प्रोग्राम इंजीनियर प्रोग्राम एमएड प्रोग्राम, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं इसको आप क्लिक कर लेना। ओके चलिए, मैं यूजी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, जिस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। ओके आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो है कोर्सेज आ रहा है यूजी पीजी एंड ओके, तो इन सभी कोर्सों का यहाँ लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके चलिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिटेड का वो जुलाई 31 है 2020। ओके यहाँ पर जो है एडमिशन के रिलेटेड सभी गाइडलाइंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स बीए, जिसमें कि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद बीजेएमसी बीकॉम ऑनर्स बीकॉम रेगुलर और बीके बीकॉम एसएफ। ओके चलिए, इन सभी कोर्सों के लिए आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बी बी ए बी एफ है एल एल बी जो कि 5 ईयर्स का होता है। ओके और यहाँ पर बी एस सी मैथमेटिक्स ग्रुप बी एस सी बायोलॉजी ग्रुप एंड बी एस सी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके यहाँ पर बी सी ए। ओके तो यहाँ पर सभी कोर्स लगभग आ जाता है यूजी कोर्स में, तो इन सभी कोर्सों के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी का सेम प्रोसेस है, आपको एक वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर जो डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन होता है इसको आपको यहाँ पर ऑन कर देना। ओके चलिए, यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए जी यहाँ पर देख सकते हैं एडिट इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट ऑनलाइन फॉर्म। ओके चलिए, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ समय जो है वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म भरने से पहले कृपया निम्नलिखित पढ़ें। ओके सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, अगर कोई भी अगर फॉर्म भरने में रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी आपको यहाँ पर कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं। ओके चलिए, यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वैलिड ईमेल आईडी एंड एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर चाहिए। ओके यहाँ पर जो है फोटो इन जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए जो कि 50 KB का होना चाहिए। ओके यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा जिसका साइज जो है 50 KB का होना चाहिए जेपीईजी। ओके उसके बाद हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट। ओके क्योंकि यूजी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। ओके यहाँ पर आप जो है आधार कार्ड यूज कर सकते हैं या आप फोटो आईडी प्रूफ फॉर। ओके अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट, आप इन सभी में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। चलिए अगर फी की बात कर लेते हैं, हम देख सकते हैं जनरल एंड ओबीसी के लिए जो है 800 रुपया है विथ लेट फी RS 1800। ओके अगर आप लेट फी पेमेंट करते हैं तो आपको 1800 रुपये जो है पेड करना होगा। ओके यहाँ पर देख सकते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 400 रुपया है। ओके तो यहाँ पर सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको एक बार जो है पूरी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। ओके चलिए यहाँ पर अब जो है फॉर्म फिल करने वाला है तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन यानी कि आई एग्री पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सामने फॉर्म फिल के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि यूजी प्रोग्राम में आप जो है अप्लाई करते हैं। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना स्टेप है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना होगा, यहाँ पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू फॉर्म फॉर्म को प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पेमेंट सबमिशन पेमेंट करना है, उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन एंड रिसीप्ट जो है डाउनलोड करना है। ओके उसके बाद लास्ट में जो है आप यहाँ पर पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको यूजी सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर नेम ऑफ द प्रोग्राम किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में अप्लाई कर रहा हूँ तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट का नाम इंटर करना है, आपको री इंटर दोबारा आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम इंटर करना है, यहाँ पर आपको फादर नेम इंटर कर देना है और यहाँ पर दोबारा से आपको फादर नेम इंटर करना है, यहाँ पर आपको मदर नेम इंटर करना है और यहाँ पर आपको दोबारा से मदर नेम इंटर कर देना। ओके तो आपको अभी यहाँ वीडियो कंप्लीट देखना है, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ओके चलिए
यहाँ पर जो है आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो आप कोई भी एक 10th या 12th का सर्टिफिकेट लेंगे और उसी के अनुसार आपको यहाँ पर फुल आर्टिकल जो है फिल करना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो जो भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे वो चालू होना चाहिए, इसी पर आपका ओटीपी एंड सभी डिटेल्स एडमिशन से रिलेटेड जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और सभी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद आपको एक बार चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ई मैसेज शुरू करेगा, प्लीज वेरीफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बिफोर सबमिट। ओके, इट विल बी यूज फॉर फ्यूचर प्रोसेस एंड कांट बी चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है कोई भी डिटेल्स यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल्स अगर मिसमैच लगे, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद जो है आप यहाँ पर चेंज नहीं कर, अगर कोई भी डिटेल्स आपको यहाँ पर सही करना है तो यहाँ पर आप एडिट को उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपको सभी डिटेल्स अगर सही लगे तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए, यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ पर जो है आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए, ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर नाम शो कर रहा है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है शो कर रहा है और यहाँ पर नेम ऑफ द प्रोग्राम किस प्रोग्राम के लिए और नीचे में आपका ईमेल आईडी शो कर रहा है। ओके, आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन आईडी और पासपोर्ट जो है आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर भेज दिया गया होगा। चलिए, यहाँ से मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं फोन नंबर है, यहाँ पे ईमेल आईडी है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोई भी जानकारी के लिए। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए, यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स खुल के आ जाएगी, आपको फिल करना है। चलिए, यहाँ पर जो है आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको डोमेनिकल यूपी से या फिर अदर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, चलिए, सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ आउटर यूपी विल बी ट्रीटेड एज जनरल फॉर काउंसलिंग पर्पज। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यूपी से हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट आउटसाइड यूपी विल बी ट्रीटेड एज जनरल फॉर। ओके, तो अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जनरल की तरह जो है माना जाएगा। ओके, चलिए, यहाँ पर जो जनरल जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ये भी आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद दो क्लेम रिजोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक वीकर सेक्टर EWS, तो यहाँ पर आप है तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, एनुअल इनकम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर आपको इंडियन आपको सेलेक्ट करने देना है। यहाँ पर रिलीजन जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी, ओके, सब कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। चलिए, इसको ओपन कर देते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर वीडियो जो है कम्प्लीट देखना है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कैटेगरी आपको यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ डिपेंडेंट फॉर फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर आपको अवेटेज आप स्पोर्ट या एनसीसी को यहाँ पर जो है प्लेंग जो है आपको छोड़ देना है। ओके, चलिए, जीरो फी रिक्वायर, तो यहाँ पर आपको यस नो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इनकम सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपको नहीं चाहिए, फादर इनकम बिलो RS यहाँ पर 2 लाख पर एनुअल, तो आपको यस या नो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद ब्लड ग्रुप है जिसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नहीं जानते हो तो आप इसको जो है ब्लैंक जो है छोड़ सकते हो। ओके, इस पर एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी स्टार कलर का है, ओके, स्टार बना हुआ है रेड कलर का, ये आपको यहाँ पर भरना जो है जरूरी है। चलिए, आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। चलिए, मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर करना है। ओके, चलिए, यहाँ पर जो है आपको आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है। आधार कार्ड नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस जो कि आपको यहाँ पर इंटर करना है। ओके, चलिए, यहाँ पर आपको एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पिन कोड जो है इंटर कर देना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर आपका शो कर रहा है, या अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो ये आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं या फिर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप यहां पर जो है क्लिक कर देंगे तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा, नहीं तो आप अलग अलग एड्रेस डाल सकते हो। ओके, यहां पर बैंक डिटेल्स अकाउंट होल्डर और यहां पर आपको बैंक डिटेल्स डालना है। तो आप यहां पर सेल्फ फादर या मदर आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, आप या कैंडिडेट का यूज कर सकते हैं या फिर अपने पिता का या फिर माता का। ओके, चलिए, आप यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि सेल्फी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर जो है आपका
अकाउंट होल्डर नेम आ चुका है, यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको यहाँ जो है इंटर कर देना है। यहाँ देख सकते हैं अकाउंट नंबर इंटर करना है, यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर आपको इंटर करना है, यहाँ पर एफसी कोड इंटर कर देना है, और यहाँ पर आपको कन्फर्म एफसी कोड इंटर कर देना है। ओके, तो बैंक अकाउंट किस लिए मांग रहा है, कोई अगर अगर कोई भी त्रुटि हो या फिर आपका जो है फॉर्म अगर पेंडिंग बता रहा है या फिर कैंसिल हो जाता है, तो आपको फी जो है किसी कारण पर बस जो है अगर परीक्षा रद्द हो जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो आपका फी जो है रिफंड हो जाएगा, इसीलिए जो है यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है मांगा जा रहा है। ओके, तो सभी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना है, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको हाई स्कूल यानी 10th का आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देना, जिसकी रोल नंबर, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग एंड यहाँ पर मैक्सिमम मार्क कितना था, और यहाँ पर मार्क ऑफ लाइन आप कितना किए, ये आपने इंटर करना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन बॉडी ऑफ हाई स्कूल और एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, चलिए इस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आप यूबी बोर्ड या फिर अदर बोर्ड से ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 12th का डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर बोर्ड का नाम इंटर कर देना है, यहाँ पर परसेंटेज जो है ये जो है ऑटोमेटिक परसेंटेज जो है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, या फिर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। ओके, चलिए यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सभी डिटेल्स जो है 10th का फिल करना है, यहाँ पर रोल नंबर एंड यहाँ पर आप 10th का ही यहाँ पर बोर्ड का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको अगर यूपी बोर्ड से है तो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। ओके, चलिए उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट का सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट का पूरा डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर रोल नंबर इंटर कर देना है, यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, यहाँ पर आप कौन से बोर्ड से हैं ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो है बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। ओके, अगर आप यहाँ पर जो है यूपी बोर्ड अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर आप बोर्ड का नाम जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो आपको बोर्ड का नाम जो है सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर मैं ऊपर में एक चीज़ बता दूँ, अगर आप जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरमीडिएट। ओके, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नेम इंटर कर देना है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क एंड मार्क्स ऑब्टेन। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर MATHE मैथमेटिक्स इंटर कर दिया, जो कि मैक्सिमम मार्क तो 100 का था, और इसमें आपको कितना मार्क प्राप्त हुआ है ये आपको जो है यहाँ पर इंटर कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एड पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर मार्कशीट लेना है और मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, अगर कोई अगर इसमें मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करके आप यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ओके, फिर से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट नेम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क आपको इंटर करना है, और मार्क्स ऑप्शन आपको यहाँ पर इंटर करना है, और एड करते जाना है, तो आपको यहाँ पर 12th में जितना भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट था इस सभी सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर इंटर कर दिया, जैसे कि मेरा सिक्स सब्जेक्ट था मैंने 6 को इंटर कर दिया है, आपका जितना भी सब्जेक्ट हो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर जो है मैक्सिमम मार्क जो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन ये ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक शो करेगा। ओके, तो सभी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो है सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कोड सेव सक्सेसफुली, तो यहाँ पर जो है आपको ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ओके, तो फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो है सिर्फ फोटो एंड सिग्नेचर आ रहा है। अगर आप यूपी बोर्ड सेलेक्ट करते वहाँ पर यूपी का अगर निवासी है, तो अगर आप ओबीसी या एसटी कैंडिडेट से हैं तो आपको यहाँ पर जो है ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा या फिर एससी या एसटी का सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ओके, तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर लेना है। चलिए चूज फाइल पर क्लिक कर लेते हैं। तो फोटो आपका जहाँ भी सेव हो डेस्कटॉप या मोबाइल में, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम देखिए फोटो जो है आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको ओपन कर देंगे। हम देख सकते हैं सिग्नेचर आ चुका है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है जैसे ही आपका फोटो या सिग्नेचर अपलोड हो जाता है, आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके को ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। ओके, ओके को ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पूरा प्रीव्यू फॉर्म जो है शो कर रहा है, तो यहाँ पर पूरा जानकारी आपको यहाँ पर शो कर रहा है।
तो यहाँ पर आप सभी जानकारी पर चेक कर लेंगे। ओके, अगर कोई जानकारी आपको यहाँ पर सुधार करना है तो सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट फॉर्म पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास सभी डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पेपल अमाउंट जो है 800 रुपया आपको पे करना होगा प्लस बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज। ओके, तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर HDFC बैंक पेमेंट गेटवे आएगा, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ तो जो है आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, या आपके अदर बैंक में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो आप ये यहाँ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ अदर बैंक डेबिट कार्ड। चलिए इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट कर देना है। ओके, पेमेंट करने के बाद जो है आपको कॉन्फर्मेशन एंड पेमेंट रिसीव का ऑप्शन आएगा, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जो है पेमेंट रिसीव जो है आपको यहाँ पर रख लेना है, जिसपे आपको एडमिशन के समय जो है आपको काम आएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। UG, PG और यहाँ पर जितना भी कोर्स अवेलेबल है सभी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आप अगर मोबाइल से करना चाहते हैं या फिर डेस्कटॉप से करना चाहते हैं, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ओके, सिंपली आपको मोबाइल से करने के लिए आपको जो है डेस्कटॉप मोड को ऑन कर देना है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कीजिए लाइक, और इसी तरह अगर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। थैंक यू फ्रेंड्स।